Muhtarmaz Haydar. Hazir Janab. Hani Amir. Present. And you're watching us on Drama Central. Shabash. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बच्ची थी, उसका नाम बीबी था। लाहौर में आपको पता है कहाँ लेके गए? किसी काम से गए, कह रहा जैसे ही मुकम्मल हो जाएगा वापस आ जाएंगे। नो नो, फोन करें, पूछे वो कहाँ पे, फोन करें। बेटा हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना, ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगी इंशाल्लाह। खोलो दरवाजा। नहीं, मुझे अभी चाहिए था वो, मुझे स्टोरी सुना रही है बीबी को। कानूनी वक्त कागजात की तैयारी में जितना लगता है वो तो लगेगा। हाँ, मैं आपकी एक फेवर कर सकता हूँ कि कराची वाला घर आपको दे सकता हूँ, बाकी लाहौर और इस्लामाबाद वाली फैक्ट्रीज और बेंगलोर उसमें आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं लेकर आऊंगी, तुम्हें मुझ पे भरोसा है? आजा बीबी, देखो जरा, ये है आपका घर। वाओ, ये मेरा घर है? बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने बोला था आपको, बुबू ने आपको कुछ नहीं बताया ना, कुछ भी नहीं दिया आपको, क्योंकि वो आपसे जेलिस है। अच्छा, आपको पता है सिर्फ यही सब कुछ नहीं है, इतना बड़ा स्विमिंग पूल है और इतने ज्यादा रूम्स हैं। वाओ, पहले मुझे स्विमिंग पूल देखना है। पहले हम आपका रूम देखेंगे जाकर, तब तक शाहब तुम पूल की लाइट्स ऑन करवा देना, और हमारा सामान वो चौकीदार ले आएगा। या चलें, लेकिन आपको ऊपर जाने से पहले आंखें बंद करनी पड़ेंगी। सरप्राइज सरप्राइज, चलो लेट्स गो। सीढ़ियां देख के अनदर स्टेप। यस यस। बुबू बुबू बुबू, पार्क बंद है। फिर कहाँ चला गया है बुबू? मैंने उसको इतना समझाने की कोशिश की थी, वो समझ भी गया था, पता नहीं कहाँ चला गया है। बुबू 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 बुबू, आंखें बंद, नो चीटिंग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आंखें बंद है ना। 1 2 3। वाओ, ये मेरा रूम है? बिल्कुल आपका रूम है, ये सिर्फ आपका रूम है। वाओ, अकेले। ये मेरा बेड है? हाँ, जाओ बैठो। कितना सॉफ्ट है ये। अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च, जब मैं टेंशन में आता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं बुक्स पढ़ता हूँ। ख्याल में जब टेंशन में आता तो वो परी से बातें करता है, और जब शरोज जब टेंशन में आता है तो वो खाना खाता है। बुबू जब टेंशन में आता था ना तो वो बीवी से बातें करता था ना। बीवी नहीं है तो वो क्या करता है? बुबू, वाओ, अरे तो पर बीबी कहाँ चली गई? नहीं, ये बेस्ट चेयर है, बहुत अच्छी चेयर है। बुबू, हाँ हाँ मुझे याद आया, वो वहाँ हो सकता है। कहाँ? कहाँ मुझे पता उस जगह का, मेरे साथ चलो। चले, एक मिनट, अपना ड्रेसिंग टेबल तो देखो, अपनी चीजें देखो, शीशा देखो, आओ कम ऑन। वाओ, इतना बड़ा शीशा हमारे घर में तो। बहुत अच्छा शीशा ये। और ये अपनी चीजें देखो, बाकी
इतने मजे मजे की क्रीम्स, इतनी सारी चीजें. यू लाइक देम? यस, आई लाइक इट. कैसा लगा आपको अपना घर? बहुत अच्छा. अरे पूल की लाइट्स ऑन हो गई होंगी, हमें पूल पे चलना चाहिए. हाँ, और मुझे पूल बहुत पसंद है. चलो लेट्स गो देन. रन रन रन. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फार्मर, ही हैड अ काउ एंड द काउ सेड ये देखो, ये रहा आपका फूल. ये आपका फूल. वाओ, इतना बड़ा फूल. ध्यान से. ध्यान से. क्या करने लगे आप? ध्यान से, और ज्यादा आगे नहीं जाना. ओके. वैसे नाज़नीन तुम ठीक कह रही थी, बस अब ये वकील बाकी जायदाद भी हमारे हवाले कर दे. तुम देखना कैसे इन 6 फैक्ट्रीज को मैं 12 में बदलता हूँ. शाहब, तुम 6 को 12 करने के चक्कर में ना इन 6 को भी जुए में मत हार जाना. कम ऑन यार, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा ना होता तो मैं तुमसे बिल्कुल शादी ना करती. लेकिन ये जायदाद बहुत मुश्किल से मिली है, इसको नहीं खो सकती मैं, वो भी जुए में. हाँ चलो, वो सब तो बात की बात है, लेकिन अब ये इतना बड़ा बंगला मिला हमें, इसकी ट्रीट तो बनती है. बिल्कुल बिल्कुल बनती है, और वो भी तुम्हारी तरफ से. ठीक है फिर, कल रात का डिनर मेरी तरफ से. डन. पापी आप भी आना. नहीं नहीं, आप खेलो. लाहौर क्या करने जा रहे हो? वो बीबी जी है ना, मेरी बेटी. वेरी रिस्पॉन्सिबल गर्ल. आपको पता है, वो ना अपने ड्रेसेस भी ले गई, बैग भी ले गई, लेकिन ना वो स्टोरी बुक्स भूल गई है वाली साहब, अपनी स्टोरी बुक्स. और वो सोती नहीं है जब तक वो नहीं सुनती ना स्टोरीज. तो ये वाली चाहिए, इम्पोर्टेंट है ये. कहाँ जा रहे हो? वो लाहौर जा रहा हूँ मैं. लाहौर तो बहुत दूर है ना? हाँ यस, बहुत दूर जाना है. मतलब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है जाना, वेरी इम्पोर्टेंट, इसलिए जाना है. लाहौर क्या करने जा रहे हो? वो बीबी जी है ना, मेरी बेटी. वेरी रिस्पॉन्सिबल गर्ल. आपको पता है, वो ना अपने ड्रेसेस भी ले गई, बैग भी ले गई, लेकिन ना वो स्टोरी बुक्स भूल गई है वाली साहब, अपनी स्टोरी बुक्स. और वो सोती नहीं है जब तक वो नहीं सुनती ना स्टोरीज. तो ये वाली चाहिए, इम्पोर्टेंट है ये. लेकिन स्टोरी बुक्स तो लाहौर में भी होती होंगी ना? नो, लेकिन लाहौर में तो ये नहीं होगी ना. ये तो बीबी जी की बहुत फेवरेट वाली है, बेस्ट फेवरेट. और ना ये उन्होंने खुद ली थी. हाँ तो ये मैं दूंगा उनको जाके. आपको पता है, तापी है ना, उनके पास तो स्टोरी बुक्स भी नहीं होंगी. हाँ नहीं होंगी स्टोरी बुक्स. उनको ना, उनको इंग्लिश भी नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती इंग्लिश.
लेकिन तापी क्यों ले गए बीबी को? बुबू बहुत लेट हो गया है, चलो वापस चलते हैं। नो, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे लाहौर जाना है, मैं वापस जाऊंगा। लेकिन अब तक तो बीबी जी भी सो गई होंगी, बहुत लेट हो गया है। नो, वो नहीं सोई होंगी, जब तक ना वो स्टोरी बुक्स नहीं सुनती वो नहीं सोती है, वो नहीं सोंगी। पता है मैंने वो वाले अंकल से बात की थी, वो जो टाइम नहीं बताते, वो तो कह रहे थे कि अभी कोई ट्रेन जाएगी नहीं लाहौर। तो फिर हम सुबह चलेंगे, तुम आराम से नहा धोकर फिर बीवी से मिलना, ठीक है? तो फिर सुबह आएंगे हम? हाँ, सुबह जाएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो। चल ये बता, तेरा लाहौर का ट्रिप कैसा रहा, मजा आया? हाँ यार, ट्रिप काफी अच्छा रहा। अच्छा, वो भाभी और वो बच्ची नजर नहीं आ रही, वो कहाँ गए? यार वो दोनों अपने घर पे। अपने घर मतलब? मतलब ये कि हम लोग नाज़नीन के घर पे शिफ्ट हो रहे हैं। चलो ये तो बड़ा अच्छा फैसला है। ये भी बड़ा अच्छा फैसला है। चल यार मैं चलता हूँ, चाय बहुत अच्छी थी और चाय खत्म हो गई है। यार तू अब चला जाएगा, चाय कौन बनाएगा मेरे लिए? तू भी ढंग की चाय बनाना सीख ही गया है वैसे। हाँ यार बस सीख गया हूँ थोड़ी थोड़ी। चल यार जरा चलने की करता हूँ। अच्छा तुम जा रहे हो तो यार अपने घर का एड्रेस ही दे दो, मैं भी कभी चाय पीने आऊँ तुम्हारे घर। यार घर जाके तुझे सेंड कर दूँ? मुझे लगता है बुलाने का इरादा नहीं है तुम्हारा मुझे, है ना? अभी लिखो एड्रेस, अभी सेंड करो। तू भी यार, मैं तुझे जानता हूँ अच्छी तरह। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मामा 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 मामा। टूटू बेटा गिर जाओगे, क्या हुआ? बीबी आज स्कूल आई थी। बीबी तो गुड्डू वो वापस किसके साथ गई? बाबू के साथ जो उनकी आती थी ना बीबी, उनके साथ गई है। अच्छा बेटा गुड्डू तुम बैठो यहाँ पर, मैं जोजी को बोलती हूँ तुम्हारे कपड़े निकालो, तुम्हें खाना खिलाए, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। बुबू बुबू बुबू, वो गुड्डू बता रहे हैं कि बीबी आ गई स्कूल में। स्कूल में कब? आज, बल्कि अभी। तो फिर वो कहाँ गई? वो टहाब के साथ एक लड़की होती है, उसके साथ चली गई। लड़की? तो आपको पता है ना शाह का घर कहाँ है? मुझे पता है। हाँ चले चले अभी चले, मैं अभी जाऊंगा। चले। अच्छा मैं बैग लेकर आती हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। हाँ मैं शूज पहन। कामरान भाई खोले। कामरान भाई शाहब आ गया? शाहब तो यहाँ नहीं है, वो तो चला गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी मुझसे झूठ बोलेंगे। क्या मतलब? मतलब मैं जानती हूँ कि शाहब कराची में। देखिए मैंने ये कब कहा कि शाहब कराची वापस नहीं आया, मेरा कहने का मतलब ये था कि अपना सारा सामान यहाँ से लेके जा चुका है, अपने नए घर शिफ्ट हो गया है। तो कहाँ पे? कहाँ पे घर? वो यहीं कराची में नाज़िम का घर है। आपके पास उसके घर का एड्रेस है? हाँ मेरे पास एड्रेस है उसका। आप मुझे एसएमएस कर देंगे अभी? ठीक है मैं आपको मैसेज कर देता हूँ। शाहब अंकल मुझे भी जाना पुल में। नहीं नहीं बेटा दीप है ना, अभी नहीं। लेकिन मुझे सरवन का बहुत शौक है। रियली? चले फिर हम ऐसा करते हैं कि बीबी के लिए कल से एक इंस्ट्रक्टर रख लेते हैं, वो बीबी को स्विमिंग सिखाएगा और फिर जितना दिल चाहे स्विमिंग करना। ओके। बीबी अंकल थोड़ा, बीबी बीबी थोड़ा थोड़ा बीबी। कोई बात नहीं मैडम, मैं इन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, रोकने आने देने, रिश्तेदार हैं हमारे, आप जाइए। बीबी चलो घर, चलो चलो। नो नो
डोंट टच, मैं संभाल के रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, ये भी छोड़ूंगा नहीं, ओके? तू संभाल के, बीवी को गिराना मत, ध्यान से हाँ, प्लीज। अंकल बीवी मेरे के पैसे चाहिए अंकल, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं बोला ना आपको चलो घर, I'm your father, और जो बैड बच्चे होते हैं ना, गंदे बच्चे, वो माँ बाबा के बगैर आते हैं, चलो घर आप चलो। नो बीबी, बेटा हम तुम्हें घर लेने आए हैं, चलो वहाँ तुम्हें सब बहुत मिस कर रहे हैं और इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, आजा। I know चांदनी आंटी, और ये तो मेरी चाबी है, ये मुझे कुछ क्यों कहेंगी? तो आपकी चाबी बैड है ना, मैंने आपको बताया था, ये मार देगी आपको, आप चलो यहाँ से, चलो चलो बीबी प्लीज, चलो प्लीज। हाँ, और आपने तो मुझे ये भी बताया था कि मैं बूबू की बेटी हूँ और वो सिर्फ आपके मामा बाबा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बीबी वो तो ना मैं... हाँ हाँ वो झूठ था, मुझे पता है, और आप मुझसे जेलेस भी थे। लोगों मैं आपको बता, डोंट टच, मुझे हाथ मत लगाना वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बीबी ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। चांदनी आंटी हमारे घर का मामला है। हो गई पागल की वकालत, अब दफा हो जाओ यहाँ से। जितने नीच तुम खुद हो उतना ही नीच तुम्हारा इंतखाब है। मेरे शौहर के बारे में बात करते हुए ना अपनी जबान को जरा काबू में रखो, समझी? शौहर है मेरा, और ये जो भी है तुम्हारा, इसके बारे में क्या ख्याल है? मैडम चांदनी, जिस आदमी की वकालत कर रही हो ना तुम, कुछ नहीं है इसके पास, समझी तुम? इस बच्ची की लीगल गार्डियनशिप मेरे पास है, समझी? नो नो बीबी सॉरी, बीबी सॉरी, शाहब छोड़ो उसे, बीबी उसको हाथ मत लगाना, तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी मैं। गुगु क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? बताओ ना क्या हुआ है? गुगु जो जी उसको थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, मैं कुछ इसके लिए बनाकर लेकर आती हूँ। बुबू ये लो मिल्क शेक पी लो। तो नहीं पीना, टैपी बहुत गलती है, वो बेबी जी को भी साथ ले गई अपने। अच्छा थोड़ा सा पी लो। नहीं चाहिए, तो नहीं पीना, इससे पीना मुझे नहीं चाहिए। बुबू देखो अगर तुम खाओगे पियोगे नहीं तो फिर तुम्हें हिम्मत कैसे आएगी, चलो पी लो थोड़ा सा पी लो। नहीं पीना भाई प्लीज, आप जाओ, नहीं पीना प्लीज, नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, आप जाओ, नहीं पीना मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कुछ भी। बीबी चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, चीज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये सब क्या हो गया है? ये सब मेरी वजह से हो गया। अगर ये सब मेरी वजह से हुआ है तो इसको ठीक भी तो मुझे ही करना पड़ेगा, लेकिन कैसे?
बीबी ने आने से इनकार कर दिया है। बहुत खुश है वो अपनी ताई के साथ। चांदनी बाजी बता रही थी बहुत ही बुरा भला कहा है उसने बुबू को, बहुत बदतमीजी की है उसने। बीबी जी हमसे नाराज हैं? अब हम बीबी जी को तंग नहीं करेंगे। बीबी जी आप लोगों से नाराज नहीं है। अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च जो नाराज होता ना वो भी घर छोड़ के जाता है। परेशान बीबी बच्ची है, बच्चों को कभी कभार सच समझने में मुश्किल हो जाती है, वो घर आ जाएगी। मुझे आप तीनों से सिर्फ इतनी हेल्प चाहिए कि आप तीनों बुबू के बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो बेचारा बहुत उदास है, वो बिल्कुल हौसला बिल्कुल हिम्मत हार गया है, प्लीज उसको थोड़ा सा हौसला दें। परी भी यही कह रही है। हम सब कुछ ये कैसे करेंगे, हमें तो बीबी जी सिखाती थी ना। अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च कुछ भी नहीं आता। आप तीनों फिक्र मत करें, मैं लेकर आऊंगी बीबी को, आई प्रॉमिस वो आ जाएगी वापस, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बुबू, बुबू, बीबी, आप फिर क्यों आ गए आप यहाँ पे? बुबू मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि देखो आप ना बहुत बैड है, ओके बहुत बैड हो आप, ये तो सब बैड लोग है ना, आप भी वैसी बैड हो। बीबी वापस आ जाए, उठो आप बाहर जाओ, बाहर जाओ। बुबू मेरी आप बात आप नहीं आना, आप जाओ मेरी बात जाओ, हट जाओ हट जाओ। चांदनी की इतनी हिम्मत के लिए मुझे नोटिस भेजेगी, तुम इसकी औकात याद दिला दूंगी। तो मैंने ये फैसला किया है कि मैं ये केस खुद लड़ूंगी। तुम लड़ोगी? जी मामा, मैंने कभी कोई केस लड़ा तो नहीं है, लेकिन बीबी को वापस लाने के लिए हमें ये करना जरूरी है। जेब मामा, अभी भी बहुत याद आ रही है बेटा। इस वक्त वो कभी यहाँ खड़ी होती थी, कभी क्या, मैं उससे कहती थी जाओ जाके पढ़ो नहीं तो फिर सो जाओ, तो कहती थी कि बुबू मुझे कहानी सुनाएगा, मैं जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ। मैं बीबी का पता करने आया था, दरअसल बुबू बहुत परेशान है, बीबी का कुछ पता चला? बीबी नाज़नीन के साथ है, उसकी ताई। क्या मतलब, बुबू के कोई रिश्तेदार भी?
वो सब लंबी कहानी है। वो बेचारा बूबू सारी जिंदगी उसने दुख झीले और फिर अब ये नया पहाड़ आके उसके सर पे गिर गया। लेकिन अब क्या होगा, बूबू तो बीबी के बगैर। कासिम साहब, हमें कानूनी कार्रवाई कर देनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो सीधा सीधा अगवा का केस बनता है। मसला ये है कि बीबी अपनी मर्जी से गई है उनके साथ, और सच तो ये है कि नाजनीन ही बीबी की लीगल गार्डियन है। ये तो बड़ा मसला है। ऐसा हो सकता है कि हम कस्टडी का केस कर दें? बिल्कुल हो सकता है, बल्कि ऐसा करता हूँ मैं किसी वकील से बात करता हूँ। लेकिन 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 उसकी फीस बहुत ज्यादा होगी। बहरहाल आप परेशान ना हो, हम कोशिश करते हैं कि कोई बंदोबस्त हो जाए, वरना बूबू का केस मैं खुद लड़ूंगा। हमारे कानून में इस चीज़ की गुंजाइश है कि अगर हम अफोर्ड ना कर सकें या कोई वकील हमारा केस नहीं लेता तो हम केस अपना खुद लड़ सकते हैं। क्या वाकई? जी बिल्कुल, आप फिक्र ना करें, मैं पहले तो वकील से बात करता हूँ, अगर नहीं हो सका तो इंशाल्लाह ये केस मैं खुद लड़ूंगा। मुझे इजाज़त दें, मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम। हाँ मुझे लगता है अब कुछ मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि हम कोई बड़ा वकील करेंगे, तो अगर ऐसा हो जाए जो कासिम साहब ने बोला है तो ये तो बहुत अच्छा होगा। और इंशाल्लाह बीबी आ जाएगी, हम बीबी के लिए सब कुछ करेंगे, चाहे अदालत में जाना, कभी सड़कों पे जाना पड़े, कहीं जाना पड़े, हम जाएंगे, लड़ेंगे केस बीबी के लिए। आप ठीक कह रही हैं ज़ेब मैम, हमारी अल्लाह मदद करेगा, हमें हमारी बीबी चाहिए, लव यू। हमारी बूबू की बीबी लौटा दो। सर सर, हमें बच्ची का पता चल गया, आपको बस मेरी हेल्प करनी होगी उसको लाने के लिए। एक मिनट, मुझे ये बताएं कि अगवा करने वालों ने खुद आपसे रابطہ किया? नहीं, वो क्या रابطہ करेंगे, हमने खुद ही ढूंढ निकाला है, मेरे पास एड्रेस भी है, आप बस मेरे साथ चलें। आपको कैसे पता चला? देखिए मुझे तफसील से बताएं, क्या वो कोई जरम पेशा ग्रुप? नहीं, वो बच्ची की ताई है जिन्होंने अगवा किया है। बच्ची की ताई ने? क्या आपको पूरा यकीन है? मैं खुद देख कर आ रही हूँ। आपकी बच्ची से मुलाकात हुई थी? जी। तो क्या उसने कुछ ऐसा कहा है कि उसे अगवा किया गया? दरअसल वो हमसे नाराज है, बच्ची है ना, इसीलिए घर वापस आने से मना कर रही है। देखिए मैडम, ये अगवा का नहीं, ये घरेलू मसला है, और अक्सर बच्चे माँ बाप से नाराज होकर रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं, फिर कुछ दिन में खुद ही वापस भी आ जाते हैं। सर आप समझ नहीं रहे, उस बच्ची का अपनी ताई के साथ रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, वो लोग अच्छे लोग नहीं है, आपको प्लीज मेरी मदद करनी होगी। देखिए हमारे पास और भी बहुत से मसले हैं, और अगर आपको इतना ही मसला है बच्ची का ताई के घर रहने पर, तो जाइए आप फैमिली कोर्ट में जाकर आर्डर ले आइए। बच्ची अपनी मर्जी से ताई के घर गई है, इस सूरत में हम रेड नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता तो रही हूँ वो ठीक लोग नहीं है। देखिए मैडम, मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप जा सकती हैं। थैंक यू। मालकन, खाना ना सही, चाय तो पी लें। रोजी मुझे तंग नहीं कर। अच्छा थोड़ा डांट ही ले मुझे। देख जोजी, ये ठीक है कि तेरे बगैर मेरा गुजारा नहीं है, लेकिन इस वक्त मुझे तंग नहीं कर। मालकन। ज़ेब मामा, क्या हुआ? चांदनी बेटा बात सुनो, तुम ना मुझे ले चलो उसके पास, यकीन करो मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे साथ आ जाएगी, मैं उसे समझाऊंगी, मेरा बच्चा मुझे ले चल, प्लीज मुझे ले चल। ज़ेब मामा, पता नहीं उसने बीबी को क्या कहा होगा, कैसे भड़काया होगा, आपको पता है वो बिल्कुल ब्रेन वॉश्ड हो चुकी है। क्या होगा, नहीं आएगी हमारी बीबी, बताओ ना क्या होगा बेटा। कोर्ट केस, मैं नाजनीन को लीगल नोटिस भिजवा चुकी हूँ। ठीक है वो बीबी की लीगल गार्डियन है, लेकिन ये भी हकीकत है कि बुबू उसका भाई है, और उसने बिल्कुल बेटी की तरह पाला है उसको, और ये बीबी का घर है। ये
जब मुझे हर तरफ बीबी नजर आती है, यहाँ बात देती है, यहाँ खाना मांगती है, यहाँ शरारत करती है, वहाँ छुप जाती है, हर जगह बीबी को देखने में से नहीं बर्दाश्त। मुझे मुझे ना बहुत ज्यादा मुझे फील हो रहा है जैसे मेरी बेटी खो गई। मैं क्या करूँ, किधर ढूंढूँ? बीबी आ जाओ, बीबी क्यों हमसे नाराज हो? चांदनी ने केस कर दिया। According to my research, केस करने के लिए वकील का होना बहुत जरूरी है। हमारे पास तो वकील ही नहीं। वकील कहाँ से लेकर आएंगे? क्यों ना सर कासिम से पता करें। कासिम सर? परी कह रही है कि हमें खुद वकील बन जाना चाहिए। मगर हम वकील कैसे बनेंगे? हाँ, according to my research, काला कोट पहन के। काला कोट पहन के? अगर आप काला कोट पहन लो ना तो आप वकील बन सकते हो, फिर हम बीबी को वापस ले आएंगे। काला कोट हम खरीदेंगे और फिर पहनेंगे। ठीक है। डरता नहीं हूं मैं, तुमको याद करता हूं। हो ना जाए गलती कोई, ये ही फरियाद करता हूं। बीबी, थोड़ा सा डरता हूँ जब जब मैं गिरता हूँ, गिर के संभलता हूँ तब मैं रो पड़ता हूँ। बर्गर खाओगी ना? पसंद है ना? मैं आपके लिए कोरियर वाला दे दूँ। ठीक है, थैंक यू। जाओ। ठीक है, अब मुझे बताओ कि होमवर्क खत्म किया या नहीं किया? तभी मुझे होमवर्क नहीं करना। होमवर्क खत्म होगा, उसके बाद मूवी होगी, बर्गर्स भी होंगे, बहुत मजा आएगा, है ना? क्या हुआ तापी? कुछ नहीं, आप जाओ अपना होमवर्क करो। जाओ बीबी। इस चांदनी की इतनी हिम्मत के मुझे नोटिस भेजेगी, तुम इसकी औकात याद दिला दूंगी। समझती क्या अपने आप को? जानती नहीं हो मुझे? बताती हूँ इसको मैं, समझ जाएगी। देखो नाज़नीन, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसे ना परेशान, उस चांदनी ने हम पे पिटीशन दायर करवा दी है। अरे तो क्या हो गया यार, तुम देखना ये केस हम ही जीतेंगे। और वैसे भी बीबी खुद हमारे पास आई है ना, तो अफवाह का केस तो बनता ही नहीं है। और जब बीबी खुद हमारे साथ रहना चाहती है तो दुनिया की कोई भी अदालत उसे बूबू के पास नहीं भेजेगी। भाई है वो उसका, अदालत ये तो मानेगी ना? एक बात तुम भूल जाती हो। क्या? यही कि बूबू नॉर्मल नहीं है। हमें बस अदालत में ये साबित करना है कि बूबू पागल है, और कोई मामूली पागल नहीं, एक ऐसा पागल जो गुस्से की हालत में कुछ भी कर सकता है। हाँ राइट, मैं ये बात भूल जाती हूँ कि उसका वीक पॉइंट है हमारे पास। तुम टेंशन ना लो, मैं अपने वकील दोस्त से बात करता हूँ, ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके, इतना भरोसा कर सकती हूँ मैं तुम पे। चलो मैं उसे कॉल करता हूँ। कौन है? कौन है? ओहो, अपनी ऐनक तो नीचे कर लो।
आप यहाँ क्यों बैठे हैं? क्यों, मुझे यहाँ नहीं बैठना चाहिए था। मेरा मतलब है यहाँ कलम करने क्यों बैठे हैं? अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, पहली बात यह है कि मतलब नहीं मतलब होता है, दूसरी बात यह कि मैं कुछ सोच रहा हूँ, और तीसरी बात यह कि अकेले बैठ के सोचा जाता। वही वही मतबल मतलब मतबल, यहाँ कल्ले बैठ के सोच क्या रहे हैं? वो मैं ये सोच रहा था कि काला कोट पहन के मैं वकील बन के बीबी को वापस लेके आऊंगा। सच? बीबी वापस आ जाएंगी? हाँ जोजी, जब हम वकील बन जाएंगे ना तो हम बीबी को वापस लेकर आएंगे। फिर तो मैं भी वकील बनूंगी। अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, ना तुम्हारी उर्दू ठीक है ना इंग्लिश, तुम वकील नहीं बन सकती हो। अरे आओ जल्दी आओ बेटा, मैं तुम्हें ये बताना चाह रही थी चांदनी कि बेटा मेरे दो चार वकील हैं जानने वाले, वो बूबू का केस लड़ सकते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है बेटा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अदालत के खर्चे उठा सकूं, मेरी गुर्बत मुझे मार रही है, कुछ भी नहीं कर सकती उसको। जी मामा फिक्र नहीं करें, इसका हल है मेरे पास। क्या बेटा? दरअसल कासिम साहब ने मुझे बताया था कि अगर कोई वकील हमारा केस ना लड़े या हम उसे अफोर्ड नहीं कर पाए तो हम अपना केस खुद लड़ सकते हैं। अपना केस खुद लड़ सकते हैं? तो मैंने ये फैसला किया है कि मैं ये केस खुद लड़ूंगी। तुम लड़ोगी? जी मामा, मैंने कभी कोई केस लड़ा तो नहीं है, लेकिन बीबी को वापस लाने के लिए हमें ये करना जरूरी है। तुम बहुत अच्छी हो चांदनी, मेरा बच्चा तुम बहुत बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने बुबू को बताया कि तुम उसका केस लड़ोगे? नहीं, बुबू को तो ये भी नहीं पता कि मैं नाज़नीन को लीगल नोटिस भेज चुकी हूँ। तुम फिक्र नहीं करो, मैं बुबू से बात करूंगी, बस तुम दिल लगा के केस की तैयारी करो, इंशाल्लाह हमने ये केस जीतना है, ठीक है ना? हमें किसी भी तरह बीबी को वापस लेकर आना है। जरूर इंशाल्लाह। बीबी चलो घर, चलो चलो। नो, बोला ना आपको चलो घर। I'm your father। और जो बैड बच्चे होते हैं ना, गंदे बच्चे, वो माँ बाबा के बगैर आते हैं। चलो घर आप, चलो। नो, इस बच्ची की लीगल गार्डियनशिप मेरे पास है। बुबू, मेरा बच्चा उदास क्यों है? आज मैंने बीबी जी को देखा। बुबू, अब अपनी उदासी खत्म करो, हमें ना बीबी को लाने के लिए नाज़नीन से लड़ना होगा। नो, लड़ना ना बहुत बुरी बात होती, नहीं लड़ना, लड़ना नहीं है, बीबी चाहिए। नहीं नहीं बुबू, मेरा ये मतलब नहीं है कि हमने कोई फाइट करनी है वहाँ पर, हमने केस लड़ना है नाज़नीन के खिलाफ अदालत में जाकर। कोर्ट में? हाँ कोर्ट में, हमारी चांदनी है ना, उसने कोर्ट में नाज़नीन के खिलाफ पटीशन दायर कर दी है, और चांदनी है ना ये केस खुद लड़ेगी। चांदनी केस लड़ेगी? हाँ बेटा, दो दिन बाद कोर्ट में हेयरिंग है, और चांदनी ये केस तुम्हारे और बीबी के लिए खुद लड़ रही है, और तुम देखना हम सब तुम्हारे साथ होंगे अदालत में। चांदनी लड़ेगी? जनाबे वाला, मैंने ये केस इसलिए किया है क्योंकि बीबी जो अपने भाई बुबू के साथ बहुत हंसी खुशी रह रही थी, एकदम से अपने भाई के साथ नहीं रहना चाहती। इसकी कोई तो वजह होगी, और उसकी वजह ये है कि बुबू पागल है। बुबू पागल नहीं है, वो ऑटिज्म का शिकार है। आप पागलपन को बीमारी का नाम देकर हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकती। मैं आपको लेने आया हूं। नो, मुझे नहीं जाना आपके साथ। आप बैठो, झूठे हो।